हेलो फ्रेंड्स, आपकी गार्डनिंग रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बसवराज धुमाले। आज बालसम यानी गुल मेहंदी के केयर टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। गुल मेहंदी के पहले केयर टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। इसकी मिट्टी, गुल मेहंदी के लिए बहुत सॉफ्ट मिट्टी या भुरभुरी सी मिट्टी बहुत पसंद है गुल मेहंदी को। गुल मेहंदी का पौधा के रूट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो ऐसे भुरभुरी से मिट्टी में जाने के लिए बहुत पसंद करते हैं। और उसका नेक्स्ट केयर टिप्स के बारे में अब बात करेंगे, उसको पानी। गुल मेहंदी को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आप ओवर वाटरिंग वगैरह करते हो तो अब उसको रोक दीजिए। और उसकी जब भी मिट्टी उसकी ड्राई दिखे तभी सिर्फ उसको पानी दीजिए, और फिर पानी कभी भी मत दीजिए। जब उसकी मिट्टी ड्राई हो तभी पानी दीजिए और कम पानी दीजिए। अब हम बात करते हैं थर्ड केयर टिप्स के बारे में। इसको सनलाइट में, आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में मत रखिए फ्रेंड्स, इसको 2 या 3 घंटे की धूप में आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत डायरेक्ट सनलाइट में आप उसको रखना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसे बहुत डायरेक्ट सनलाइट हुआ था वो सनबर्न होता है, लूज सनबर्न होता है। मेरे थोड़े लूज सनबर्न हो चुके थे, इसलिए अब मैं उसको निकाल कर अभी शेडी एरिया में रख चुका हूँ। अभी बहुत अच्छा से हेल्दी से ग्रो हो रहा है। ये देखिए सारे लीव्स वगैरह बहुत हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत हेल्दी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कह रहे हैं इसका फर्टिलाइज़र। गुल मेहंदी फर्स्ट तो सारे मौसम में फूल देता है, हर मौसम में फूल देता है, लेकिन गर्मी में थोड़े से फूल कम देता है, मतलब गर्मी में उसको बहुत गर्मी पसंद नहीं। इसका फर्टिलाइज़र है कि आप गौमूत्र 1:10 रेशो में आप गौमूत्र दे सकते हैं, आप गोबर की खाद यानी काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट, कौन से भी आप होममेड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, मतलब किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। हर महीने में 2 बार आप कंपोस्ट वगैरह दीजिए, और हर महीने में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा। वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बनाना पील फर्टिलाइज़र सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और गुल मेहंदी को बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत पसंद आता है। और इसको एक बार फ्लावरिंग होने शुरू हो गई तो ढेरों फ्लावरिंग होते हैं। हम हमारे घर में वो पूजा के लिए वगैरह फूल निकाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले ही मैं वीडियो बना दूंगा। और आप ज़रूर इसकी कटिंग कीजिए, हमेशा इसकी ऊपर की एक टिप ज़रूर निकाल लीजिए, एक मतलब पिंचिंग कीजिए, उससे ज़्यादा बुशी बनेगा, जितने सारे ब्रांचेस होंगे उतने सारे फ्लावर्स होंगे। और हमेशा आप 1 महीने में 1 बार ज़रूर इप्सम सॉल्ट का पानी स्प्रे कीजिए, महीने में 1 बार इप्सम सॉल्ट का पानी ज़रूर स्प्रे कीजिए फ्रेंड्स। और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं या सीड से भी लगा सकते हैं। सीड से लगाना बहुत अच्छा रहता है, और सीड से बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है, बहुत जल्दी फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स, इसलिए आप सीड्स प्रोड्यूस करना भी बहुत इजी होता है। वो अपने आप फूल झड़ने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, वही सीड्स आप लीजिए और ऐसे कहीं पर भी आप सीड्स बिछा देंगे तो वहीं से वो पौधे आना शुरू हो जाते हैं। आप सीड से ज़रूर पौधे लगाइए, और कुछ 5-10 पत्ते आने के बाद पिंचिंग कीजिए फ्रेंड्स हमेशा। तो इसी के साथ आज हमारा केयर टिप्स इधर ही ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।